डिस्कशन है बेटा, वी विल प्रोसीड फर्दर विद दैट। सरफेस टेंशन के कंसेप्ट में आपने बेटा सरफेस टेंशन को मैथमेटिकल फॉर्म में जरूर डिस्कस किया होगा कि आपका जो सरफेस टेंशन टी है या एस आपने लिखा होगा मे बी, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन यू हैव ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट लेंथ बेटा। तो इसके रिगार्डिंग आपने बेसिक डिस्कशन आई होप कंप्लीट किया होगा। सेकेंडली बेटा जो चीज हमें चाहिए है दैट इज बेटा मॉलिक्यूलर रेंज, और एक इसके साथ और मिलता जुलता छोटा सा टॉपिक है बेटा, दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बेटा। और हाँ जी बेटे कर चुके मैं इनको एक बार, टॉपिक का नाम ही दोबारा ले रहा था कि आप लोगों ने ये सारे का सारा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ दीज कंसेप्ट्स बेटा हमारे पास बेसिक थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन आ जाता है। इसके बाद दिस इज रिगार्डिंग बेसिक थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन बेटे। इस सरफेस थ्योरी की बेटा, सरफेस टेंशन की बेसिक थ्योरी की जो डिस्कशन है इसमें आपको मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सरफेस टेंशन ऑफ कोर्स इन तीनों कंसेप्ट्स की जरूरत होगी। तो मैं एक बार बेटे 2-3 मिनट इस पे डिवोट करके देन आई विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द सरफेस एनर्जी एंड आफ्टर सरफेस एनर्जी वी विल बी गोइंग फॉर विद द एक्सेस प्रेशर एटसेट्रा मे बी इन साइड द लिक्विड ड्रॉप और इन द सोप बबल। आइए बेटे डिस्कस करें। इमेजिन करिए आपके पास बेटे एक ये कोई लिक्विड किसी कंटेनर में पड़ा है। आई होप 12th वाले बच्चे ये कर चुके हैं, एक बार समझिएगा, 2 मिनट लगा रहा हूं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा मैं। इसमें आपने लिक्विड कोई फिल कर रखा है और लिक्विड की सरफेस पर ये एक थिन फिल्म बना पड़ा है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। इसका कोई नाम आप ए बी सी एंड डी कोई भी नाम आप रख लीजिए। इसमें बेटा 3 या 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने इमेजिन किए। इमेजिन करिए एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे पड़ा है, यू कैन कॉल दिस एज मॉलिक्यूल नंबर 1 और ए और बी, वट एवर यू वॉन्ट, लेट अस कॉल दिस एज ए मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल आपका इंटीरियर ऑफ द लिक्विड में है, बॉटम के नजदीक है। एक आपने मॉलिक्यूल बी यहां पे इमेजिन कर लिया उसी लिक्विड के इंटीरियर में, एंड थर्डली आप इसके बाद एक मॉलिक्यूल बेटा आप इस सरफेस फिल्म जो सरफेस टेंशन की वजह से बना पड़ा है इसके अंदर आपने सी मॉलिक्यूल इमेजिन किया। और लेट अस इमेजिन हियर अनदर डी, यहां पे एक ई इमेजिन कर लेते हैं। 5 मॉलिक्यूल्स हमने अंडर कंसिडरेशन रखे हैं। तो ए और बी तो एक जैसे हैं बिकॉज दीज आर टोटली इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। अब बच्चों अपने मॉलिक्यूल को एज सेंटर लेकर और मॉलिक्यूलर रेंज को एज रेडियस लेकर आप जो स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड योर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एंड आपका जो बेटे मॉलिक्यूलर रेंज है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू याद है आपको गुड़ी आप? हाँ जी पुत्र आप, मॉलिक्यूलर रेंज का बेटे आपका जो है ऑर्डर स्पेसिफिकली एनी -9, वेरी नाइस, इट इज 10^-9 मीटर इस ऑर्डर का होता है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, आपने बी मॉलिक्यूल जो आपका बिल्कुल लिक्विड के इंटीरियर में है इस मॉलिक्यूल को एज सेंटर लेकर मॉलिक्यूलर रेंज को एज रेडियस लेकर यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ कर दिया और ये आपका बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन गया। जैसे आप ऑलरेडी बात कर चुके हो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये मॉलिक्यूल से लेकर इतने वॉल्यूम तक चारों तरफ ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्टिव फोर्स या किसी भी और वे में इन्फ्लुएंस करता है, इसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा। और अगर मैं बात करूं बेटे कोहेसिव फोर्सेस की तो जितने मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के अपर साइड पे हैं उतने मॉलिक्यूल्स इसकी लोअर साइड पे हैं और आपका टोटल
इस मॉलिक्यूल पर इसके राउंड अबाउट जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से कोहेसिव फोर्स कंप्लीटली बैलेंस आउट हो जाता है, इसमें नेट फोर्स कोई एक्ट नहीं करेगा, जीरो एक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल पे बी पे। देन आपने क्या किया, बी मॉलिक्यूल को पकड़कर, पकड़ नहीं सकते हम, वी आर मेकिंग सम अरेंजमेंट सो दैट वी कैन शिफ्ट दिस मॉलिक्यूल टू द पोजीशन सी। सी आपका जो पॉइंट है, जो मॉलिक्यूल है, ये आपका सरफेस फिल्म के इंटीरियर में है। सरफेस फिल्म में जब आप इसको लेके जाओगे, आपका सरफेस फिल्म बेटा मिनिमम सरफेस एरिया होने की वजह से ऑलरेडी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिनिमम है, उसकी यही कोशिश रहती है कि इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स ना आ जाएं। और आपको इस मॉलिक्यूल को यहां पे शिफ्ट करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इस मॉलिक्यूल को जब आप यहां शिफ्ट करोगे इसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और डियर चिल्ड्रन यही एनर्जी जो है आपकी सरफेस एनर्जी का कॉज बन जाती है। सरफेस एनर्जी जब आप मॉलिक्यूल्स को इंटीरियर में से उठाकर सरफेस फिल्म के अंदर रख रहे हो, आप डेफिनेटली कुछ वर्क कर रहे हो, और वो जो वर्क डन है आपका वो ही इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की फॉर्म में टोटली आपको सरफेस एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट करके देता है। आइए थोड़ी बात करें, इसको आपने अगेन सेंटर रखा, इतना मॉलिक्यूलर आपका रेंज है, इतना आपने अपना कंपास खोला और इतना रेडियस लेकर आपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दिया। जब आप ये ड्रॉ करोगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बेटा, करीब करीब जितने इसके टॉप पर या इसके अबव मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, पानी के, या जो भी आपने लिक्विड कंसिडर किया है, लोअर पार्ट में भी उतना ही है। नेट फोर्स इसके ऊपर को हिस्से जो है कोई भी नहीं है। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, जब आप इसको सरफेस फिल्म से बाहर से उठाकर अंदर लेके जा रहे हो सरफेस फिल्म के, आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वो जो वर्क डन है वो इसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे है, यहाँ पे उसके कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी है, राइट बेटा। इसके बाद आइए फोकस करें डी मॉलिक्यूल आपका जो है, इस पे फोकस करें। इसको आपने सेंटर लिया, मॉलिक्यूलर रेंज को आपने रेडियस लेकर अपना कंपास खोला, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और डियर चिल्ड्रन देखिएगा आपका ये इमेजिनरी स्फीयर बन गया। इसमें लिक्विड आपका सिर्फ यहां तक ही है, ऊपर लिक्विड है नहीं है। एक मॉलिक्यूल एक्सट्रीम ये है, एक ये है, और लोअर पार्ट में मॉलिक्यूल जिसके जो है वो अवेलेबल है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है, अपर वाला पार्ट, इसमें आपके और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एब्सेंस की वजह से इस पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड, और वो इसकी एनर्जी को और भी ज्यादा बेटा इंक्रीज कर देता है, या ये कह लीजिए आपका सरफेस जो है इसका मेनिस्कस थोड़ा सा कंकेव हो जाएगा, या यूं कह लीजिए आपका सरफेस फिल्म स्ट्रेच हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इसके बाद ई मॉलिक्यूल बिल्कुल टॉप पर, आपकी सरफेस फिल्म की बिल्कुल सरफेस पर, इस मॉलिक्यूल को आपने सेंटर रखा, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर अपना कंपास खोला, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और डियर चिल्ड्रन इस स्फीयर को देखिएगा ध्यान से, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं है, अब इसके सारा एयर ही है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। इस पर जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, और इसी वजह से आपका बेटे जो सरफेस फिल्म है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और ये हमेशा एक चीज और नोट करिएगा बेटा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी का मिनिमम होना बहुत जरूरी है, और इस केस में एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए इस इतनी थिकनेस वाली सरफेस फिल्म की कोशिश रहेगी कि इसकी एनर्जी मिनिमम हो। लेकिन सारे के सारे एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स तो इसी में प्रेजेंट हैं, तो इसकी एनर्जी मिनिमम हो नहीं सकती बेटा। तो इस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए इस सरफेस फिल्म की यही कोशिश रहती है कि अपने में से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया जाए, और बाहर कौन निकालेगा, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स। और उसी वजह से आपका जो बेटा मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा,
आप लोगों ने फ्यू डेज बैक देखा था कि इसकी फिल्म की सरफेस पर ग्रीस नीडल प्लेस किया जा सकता है विदाउट प्रिंकिंग द सरफेस एंड इसकी सरफेस के ऊपर इंसेक्ट्स क्रॉल करके जा सकते हैं विदाउट सिंकिंग बेटा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी बेसिकली दिस थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से हम सारे का सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक मिनट में मैं ब्रीफली सारे का सारा रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। आपका मॉलिक्यूल जब लिक्विड के बिल्कुल इंटीरियर में है उस पे नेट फोर्स कोई भी नहीं है, फ्री है वो। उसके बाद आपने उसको पकड़ा इमेजिनरी वे में और आप उसको सरफेस फिल्म के अंदर ले गए, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। आपने जितना वर्क किया वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, फिर आप उसको सरफेस फिल्म का कुछ थिकनेस रहेगा, आप उसको सरफेस फिल्म के टॉप की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरफेस फिल्म की ये कोशिश है कि आप उसको ऊपर ना लेके आ पाए बिकॉज उसने मिनिमम सरफेस एरिया अपना मेंटेन करके रखना है। तो आपको अगेंस्ट दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स वर्क करना पड़ेगा और बच्चों वही वर्क डन जो है वो आपका इस लेयर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसको आप बोल देते हो बेटे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस फिल्म। सरफेस एनर्जी थोड़ा अलग चीज है। सरफेस एनर्जी बेटा होता है सरफेस फिल्म की टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड योर सरफेस एनर्जी। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आगे चलूं बच्चों। जो देखिए इस थ्योरी में कोई लिखने वाला मैथमेटिकल काम नहीं है, जो चीज मैंने बोल दी है वो आपको अंडरस्टैंडिंग उसका प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका अगला काम जो है स्टार्ट हो जाता है। चलें आगे बच्चों। ओके बेटा, इसके बाद बेटे वंश एंड वैभव बेटा ऑल वेल। इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है सरफेस एनर्जी का। आइए थोड़ी बात करके देखें व्हाट डू वी मीन बाय बेटा सरफेस एनर्जी। बेटे जो सरफेस एनर्जी है बेसिकली ये एनर्जी ही है और इसके यूनिट्स एनर्जी वाले ही हैं। और सरफेस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए वी विल से दैट बेटे सरफेस एनर्जी ऑफ अ सरफेस फिल्म इज डिफाइंड एज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस फिल्म पर यूनिट एरिया। बेटे एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपने एक वायर मेश बना रखा है इस तरीके का, एक आपने वायर लिया कॉपर का या आयरन का, उसको इस तरीके से यू शेप से फोल्ड किया और उसको उल्टा करके ऐसे प्लेस कर दिया। इसके बाद आपने इसके ये जो दोनों एंड्स हैं इनके एंड्स के ऊपर टच करता हुआ एक और वायर का पीस प्लेस कर दिया और इस वायर के पीस को आप बेटा इस तरीके से बाहर या अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने एक यू शेप में वायर बनाया, इसके जो अपर लिम्स हैं इनके साथ टच करता हुआ, अगर पेन प्लीज लेना बेटा, अगर ये मान लीजिए यू शेप्ड आपके पास कुछ इस तरीके का वेसल है, आपने ये रखा हुआ है दिस पर्टिकुलर, इसको आप अप और डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर अप्लाइड फोर्स। अब बेटे आपने इसके बाद ये जो आपका सारे का सारा यू शेप सेटअप बना है इसको पानी में डिप किया। पानी में डिप करने के बाद जब आप इसको बाहर निकालोगे या मे बी आपने किसी और सोल्यूशन में डिप कर लिया, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है जिससे वो बबल्स वगैरह बनाते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरी लाइट केमिकल जो डिफरेंट डिफरेंट टॉयज में वो बच्चे छोटे छोटे बबल्स बनाकर उसको बेटा सरफेस सोप बबल्स की फॉर्म में वो पर्टिकुलर लिक्विड हमने मान लीजिए इमेजिन किया, आपने इसको उसमें डिप किया। डिप करोगे तो आपका यहाँ पे बेटे ये एक सरफेस फिल्म बन गया दिखेगा हमें, अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे इस सरफेस फिल्म पर आपको डिफरेंट कलर्स भी दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस एंड ऑल दैट, वो हम आगे चल के बात करेंगे। सो यहाँ पे अब ये चीज खाली नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं, इसमें सरफेस फिल्म बन गया, सोप फिल्म बन गया या जो भी आपने अपना लिक्विड डाला था उसने फिल्म अपना बना लिया, वेरी थिन फिल्म। अब
थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मेरे पास मान लीजिए ये इस तरीके से है, एक इसका सरफेस ये और एक ये, दो सरफेसेस हैं। इस सरफेस फिल्म की एक आपकी तरफ फ्रंट वाली सरफेस है, एक बैक वाली भी है, दो सरफेसेस हैं। और बच्चों और ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन आपका जो है उसकी वजह से इस तरफ इस पे फोर्स भी एक्ट करेगा, और ये आपका कितना फोर्स एक्ट करेगा, वी विल हैव टू वर्क दिस आउट बेटा। अभी अभी हमने बिगिनिंग में कहा था हमारा सरफेस टेंशन जो है इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा, ये बोला था डेफिनेशन में। अब आपकी दो सरफेसेस हैं, एक लेंथ इस तरफ एक उस तरफ, दोनों को मैं अगर काउंट कर लूं तो इट विल बी एफ अपॉन 2L हो जाएगा बेटा, बिकॉज आपकी सरफेस की इस फिल्म की दो सरफेसेस हैं। अब आप ये वाला फोर्स निकाल लीजिए जो सरफेस टेंशन की वजह से आपके सिस्टम को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपका फोर्स बन गया सरफेस टेंशन जितना भी इस फ्लूड का है, लिक्विड का है, मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ एल। इसको बच्चों मैंने एल बोला है, सिर्फ इतनी लेंथ को, इसको मैंने नहीं कुछ भी कहा, वो आप जरूरत पड़े तो आप इसका कोई पैरामीटर चूज कर सकते हैं। ए से लेकर बी तक आपके वायर का लेंथ बेटे एल है, दो सरफेसेस हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज टेकन ट्वाइस एल, अदरवाइज फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है। अब आपने ये जो एफ निकाला है ये फोर्स आपके इस सरफेस फिल्म की वजह से आपके सिस्टम पर अंदर की तरफ लग रहा है, ये कोशिश करेगा कि ये फिल्म जो है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, लेकिन आप इससे उल्टा कर रहे हो, आप इसको बड़ा करना चाहते हो सरफेस फिल्म को, आपने यहां से पकड़ा और इसको बाहर की तरफ जो है एडजस्ट किया। डियर चिल्ड्रन, वंश एंड वैभव पुत्र ध्यान दीजिएगा, मिनिमम आपको इसके बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट आप विदाउट एक्सेलरेशन, वाई दिस विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड इज बीइंग यूज्ड, बिकॉज अगर आप ज्यादा एक्सेलरेट करोगे तो टेम्परेचर में स्लाइट सा भी चेंज आएगा तो डिस्टर्ब होगा, हमने टेम्परेचर की चेंज नहीं चाहिए। आपने जीरो एक्सेलरेशन के साथ इसको बाहर की तरफ एडजस्ट किया और आपका वायर जो है ये नई पोजीशन ए डैश बी डैश तक शिफ्ट होकर आ गया, और ये आपका डिस्टेंस मान लीजिए एक्स के बराबर का है, मतलब आपका सरफेस फिल्म का इतना एरिया बढ़ गया जितना ऑलरेडी था, उसमें इतना इंक्रीमेंट हो गया। और आपको डियर चिल्ड्रन वर्क तो करना पड़ेगा, फिर बिना काम के तो कुछ भी नहीं होता, सो वर्क डन बाय यू इट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, बोलो उत्तर, डिस्टेंस कवर्ड, वेरी नाइस। तो डिस्टेंस आपने एक्स के बराबर कवर किया है, तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा टी ट्वाइस ऑफ दिस एल इंटू एक्स बेटा, यही चीज बनी। अब बच्चों बड़े ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा, आपने जितना वर्क किया है ये वर्क डन आपकी सरफेस की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और ये आपके पास एनर्जी बन गया, मैंने वर्क को एनर्जी लिखा, टी आपका बच्चों एस एच रख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा ट्वाइस ऑफ दिस एल लेंथ इनटू दिस ब्रेथ एक्स, एक एरिया आ गया सरफेस का, सरफेसेस दो हैं तो ये डबल हो गया, तो आपने इसको बोल दिया कि ये आपका एरिया इतना इंक्रीमेंट हो गया आपके वायर की मैश को बाहर मूव करने पे। और बच्चों इस डेफिनेशन को देखिएगा आपको ये, बट अभी रुक जाइए, ध्यान दीजिए पहले, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, बड़ा टाइम है। सो इट विल बी एनर्जी पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू टेंशन, और ये एनर्जी पर यूनिट एरिया ही आपका बच्चों सरफेस एनर्जी कहलाता है। सो दिस विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द सिस्टम एज सच बेटा। तो डियर चिल्ड्रन कोई ज्यादा मैथमेटिकली इसमें है नहीं, कॉम्प्लिकेशंस है नहीं है, मैं ब्रीफली 1 मिनट में सारे का सारा रिपीट कर देता हूं। आपने एक यू शेप्ड वायर मैश इमेजिन किया, उसमें एक एडजस्टेबल वायर रख दिया जिसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, आपने इसको बेटा इस पार्ट को एक
सोप सोल्यूशन में या किसी और लिक्विड में डिप किया ताकि आपका यहाँ पर एक सरफेस फिल्म बन जाए। सरफेस फिल्म पर इतना फोर्स नेट इनवर्ड लग रहा है, आप अगर सरफेस फिल्म का एरिया इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको इसको बाहर की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा। आपने एक्स के बराबर डिस्टेंस बाहर की तरफ स्लाइड किया और आपको इतना वर्क करना पड़ा, राइट बेटे? फोर्स आपने यहां से ऑलरेडी निकाल रखा है, इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आपका दो सर्फिसेस का एरिया ग्रो कर गया। जब आप इसको बाहर की तरफ लेके जा रहे हो, फ्रंट सर्फिस बैक सर्फिस हमें नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ है, तो दोनों सर्फिसेस ग्रो करी और नेट आपका एरिया इतना बढ़ गया। ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है, इसको आपने एरिया से डिवाइड कर दिया, आपके पास आपके सिस्टम की सर्फिस एनर्जी बन गई बेटा। सो इन दिस वे आप अपने सर्फिस एनर्जी के कंसेप्ट को बेटा समझ सकते हैं। तो कई बार छोटा सा न्यूमेरिकल एक नंबर में इसके ऊपर बेस्ड जो है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, बाकी फिर हम वेद द पैसेज ऑफ टाइम इनको करेंगे भी। चलें आगे, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को हो तो बता दीजिए, फिर मैं रिपीट कर दूं, नहीं तो आगे चलें बेटा, राइट बेटा। इसके बाद बेटे छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है और लिक्विड के मेनिस्कस की शेप कैसे बनती है, डिटेल्ड अब आपके सिलेबस में से सीबीएसई ने खत्म कर दिया है। मैं ब्रीफली बेटे दो चार मिनट इसके ऊपर लगाऊंगा, देन वी विल कम टू द टर्म एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल और एयर बबल। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर, सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर, आप कोई भी पुराना पेपर उठा लीजिए आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। और एक आपके पास इसके बाद असेंट फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी आपको पांच नंबर में, कोई भी पुराना पेपर उठा लो किसी न किसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो आने वाले आपके जो दो चार पीरियड्स होंगे दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका ध्यान आपने रखना है। तो आइए उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें और समझें बेटा, पहले लेट अस कंसंट्रेट अपॉन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है और लिक्विड का मेनिस्कस बच्चों कैसे बनता है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा से आप इसको बच्चों डिनोट करते हो, थीटा थीटा थीटा। बेटे आप लोगों ने जैसे प्रीवियसली पढ़ा होगा, हमारे पास दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक वो जो आपके ग्लास या वेसल की सरफेस को वेट कर देते हैं और एक वो जो वेट नहीं करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका वाटर का है, पानी है। पानी आप जिस भी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में लोगे या कंटेनर में लोगे वो उस कंटेनर को वेट कर देता है, और मरकरी अगर आप डालोगे तो वो उसके साथ उसको वेट नहीं करती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस, आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास बेटे ये एक टेस्ट ट्यूब हमने इमेजिन किया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने बेटे पानी फिल कर रखा है। आप जब केमिस्ट्री लैब में आई होप कि आपने जो है KM-NO4 का टाइट्रेशन करके देखा होगा, और आपके मैम ने आपको बताया भी होगा कि आप इसकी रीडिंग लोअर मेनिस्कस से लेंगे, कुछ ऐसी बात आपको कही भी होगी। अब बेटे पॉइंट ये है कि ये मेनिस्कस लिक्विड का बना कैसे, क्यों बना इसका मेनिस्कस, पहली बात। और दूसरा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ये क्या चीज है। इस पॉइंट से जहां पे आपका लिक्विड मेनिस्कस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, यहां से लेकर आप इस कंकेव मेनिस्कस को एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला टेंजेंट, और ये टेंजेंट आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि ये आपका जिस तरफ लिक्विड है उसी तरफ डायरेक्टेड हो। तो इस टेंजेंट ने इस वेसल की सरफेस के साथ जो एंगल बना रखा है, दिस इज कॉल्ड बेटे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। और याद रखिए, जो लिक्विड आपके ग्लास की सरफेस को वेट करते हैं उनके लिए ये एक्यूट होता है, 90 से छोटा होता है। और मरकरी की अगर बात करें, मरकरी के केस में आपका टेस्ट ट्यूब हो गया ये, और आपने इस टेस्ट ट्यूब में मरकरी डाला, तो आप अगर देखोगे तो इसका मेनिस्कस ऐसे होता है,
बेटे डियर चिल्ड्रन एक बात मुझे बताइएगा, आप फिजिक्स लैब में काफी टाइम गए होंगे, जब आप डोर से एंटर ही करते हो तो बिल्कुल आपका लेफ्ट साइड की तरफ एक बैरोमीटर लगा हुआ है? नहीं, उसके इस तरफ, हाँ मे भी अभी उन्होंने उतार ना दिया हो, तो उसके अंदर बेटे, हाँ जी पुत्र, कोई बात नहीं, करते हैं अरेंजमेंट उसका, हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा। उसके अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए बेटे मर्करी डाला हुआ है, और मर्करी अगर आपने कहीं जब आप 8th 9th में थे बैरोमीटर को देखा हो अगर, तो उसमें निष्कर्ष बेटे ऐसे होता है, लिक्विड मर्करी का लिक्विड मेटल है, इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए आप इस पॉइंट से स्टार्ट करिए और आप इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और आपका बच्चों ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाता है और ये आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लिक्विड आपके ग्लास की सरफेस को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं, उनके केस में एंगल थीटा आपका लेस देन 90 होता है, और जो वेट नहीं करते हैं उन केसेस में थीटा आपका मोर देन 90 होता है। अगर आप मर्करी का केस ले लोगे, इसमें 135 डिग्री के करीब करीब आपका एंगल रहेगा, और पानी के केस में 8 डिग्री। अगर डिग्री ऑफ, डियर चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा, अगर पानी की प्योरिटी बढ़ती चली जाए, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कम होता चला जाएगा, अगर आप बिल्कुल ही उसमें कोई भी बेटा अनवांटेड मॉलिक्यूल नहीं है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका जीरो भी हो सकता है। सो डियर चिल्ड्रन, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, इट मे बी डिफाइंड एज द एंगल विच द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड मेनिस्कस फॉर्म्स विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो डियर चिल्ड्रन, ये आपका कंटेनर था, टेस्ट ट्यूब जो आपने लिया, और ये आपका टेंजेंट है, इसने जितना एंगल बना दिया आपने उसको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा कह दिया। ये जरूर लिख लीजिएगा बेटा कि आपका पानी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा करीब करीब 8 डिग्री के बराबर होता है, जो हम बेटे ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, और मर्करी के केस में आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 135 के करीब करीब जो है ये नोटिस किया गया है। सो अब ये लिक्विड का मेनिस्कस बच्चों बना कैसे, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। आई थिंक कि इसको आपके सीबीएसई ने सिलेबस से रिमूव कर दिया है, तो एक बार समझ लीजिएगा, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रह जाएगा तो भी चल जाएगा काम, लेकिन सिलेबस जरूर देख लीजिएगा एक बार बेटा। डियर चिल्ड्रन, दो ही मिनट्स हैं, जरा फोकस करिएगा, कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये लिक्विड आपने किसी टेस्ट ट्यूब में डाला, और जब आप लिक्विड प्लेस कर देते हो, मान लीजिए मैंने कोई भी मेनिस्कस नहीं बनाया, लिक्विड ने इस शेप को ऑक्यूपाई कर रखा है, इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करिएगा, इस पर नेट को हिस्से फोर्स एक इस तरफ लगेगा, इस तरफ सारा लिक्विड सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे नेट को हिस्से फोर्स आपका इस तरफ एफ सी लग गया, इस मॉलिक्यूल का वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल इस वेसल या इस टेस्ट ट्यूब की इस पर्टिकुलर वॉल के साथ स्टिक किए हुए है, इसके ऊपर अडहेसिव फोर्स इस तरफ लगेगा, एफ अडहेसिव लगेगा। बेटे प्लीज जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये आपने एंगल बोल दिया थीटा बच्चों, ये एग्जैक्टली 45 होगा, क्योंकि आपका बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है दैट इज कंटेन, इसको आप रिजॉल्व कर लीजिएगा, इट विल बी एफ सी कॉस 45 या साइन 45 रूट 2 आएगा,
इट विल बी एफ सी अपॉन रूट टू। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। अब आपका ये खत्म हो गया, एक ये फोर्स बचा है, एक ये बचा है और एक दो फोर्सेस का सम ये बचा है। ये फोर्स इसके कंपैरेटिवली डेफिनेटली बड़ा है। इट विल मीन दैट बेटा इसका और इसका रिजल्टेंट जो है बेटा वो आपका कुछ इस तरफ एक्ट करेगा और ये वेट आपका ऑलरेडी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और अगर आप नेट फोर्स निकालोगे दैट विल बी समवट लाइक इन दिस डायरेक्शन। और लास्ट बिट इज सेंटेंस बोल रहा हूं, आपने बिल्कुल पहले दिन लिक्विड की सरफेस के साथ जब डील किया था आपने कहा था फोर्स सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है, पहले ही दिन याद करिएगा। तो इसका नॉर्मल जब आप ड्रॉ करोगे ये आएगा, तो आपका लिक्विड इस तरीके से कंकेव फॉर्म में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सो थैंक यू ऑल बेटा।